नहीं होते हैं, ये लैब्राडोर के कज़न ही माने जाते हैं, और लैब्राडोर से इनका कोट थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है, जिसकी वजह से गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर से सेपरेट होते हैं। गाइस अगर बात करें फैमिली में रखने की, तो गोल्डन रिट्रीवर फैमिली में ही रखे जाते हैं, दे आर परफेक्ट फैमिली कंपेनियंस, क्योंकि ये लैब्राडोर का ही कज़न है, तो ये लैब्राडोर की तरह ही फैमिलीज में रहते हैं। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि गोल्डन रिट्रीवर गार्डिंग भी करे, तो गोल्डन रिट्रीवर गार्डिंग नहीं करता भाई, गोल्डन रिट्रीवर सिर्फ और सिर्फ अच्छे वॉच डॉग बन सकते हैं, जो आपको अलर्ट कर सकते हैं। डॉग ब्रीड को रखने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये डॉग ब्रीड हाईली इंटेलिजेंट होती है एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में आपने वीडियोस देखी होंगी कि गोल्डन रिट्रीवर फ्रिज से चीज़ें निकाल के अपने ओनर को सर्व कर रहा है, मार्केट से ग्रोसरी लेके आ रहा है, तो ये सारी वीडियोस बनाने के लिए गोल्डन रिट्रीवर्स को हाईली ट्रेन किया जाता है। लेकिन बात ये है कि भाई अगर एक डॉग को हाईली ट्रेन किया जाए तो वो डॉग उस चीज़ को अडॉप्ट भी करे। मोस्टली डॉग ब्रीड्स वो अडॉप्ट नहीं कर पाती, बट गोल्डन रिट्रीवर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो इस तरह की ट्रेनिंग को भी अडॉप्ट कर लेती है।